हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के क्वेश्चन टैरो से मेरा क्वेश्चन है, आप और आपके पर्सन एक दूसरे की तरफ किस तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट करते हो, राइट? इसका क्या मतलब है, ये भी हम थोड़ा टैरो से ही पूछेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है। एग्जैक्टली इसका क्या मीनिंग, ये भी हमें टैरो ही बताएगा। तो आप और आपके पर्सन एक दूसरे की तरफ किस तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट करते हो, लेट्स चेक फॉर यू फर्स्ट। आप अपने पर्सन की तरफ किस तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट करते हो, मतलब आप उनको क्या दिखाना चाहते हो अपने बारे में, क्या प्रोजेक्ट करते हो आप उनको। आप अपने पर्सन की तरफ कौन सी एनर्जीज प्रोजेक्ट करते हो। डार्क नाइट ऑफ द सोल, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, दिस इज टू मच। ये कार्ड नंबर 16 है, टावर कार्ड। ओ गॉड, आप आपके पर्सन को ना पता है क्या दिखाना चाहते हो। आप हर समय आपका ध्यान इस पर रहता है कि उनको ध्यान आए, वो आप इस तरीके से बिहेव करते हो कि वो अपने, वो जो कुछ भी अपनी लाइफ में गलत कर रहे हैं ना, उस पर उनका ध्यान जाए। ओ, आप इस तरीके से उनको बात करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, बातचीत करना, दिखाना, समझाना, मे बी कुछ भी अपनी लाइट के थ्रू, बातों के थ्रू, कोई आप मैसेजेस करते हो उसके थ्रू ना, आप बार 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 उनको बताते हो कि उनकी सोल कितनी डार्क प्लेस पर है और उनको कैसे अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, उनको कैसे अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, राइट? मोस्ट पॉसिबली ये पर्सन जब से आपकी लाइफ में आया होगा ना, आपकी अपनी भी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही होगी, इस व्यक्ति ने आपको कैसा देखा है, इस व्यक्ति ने आपको देखा है बहुत डीप सैडनेस में देखा है, इसने आपको बहुत डिप्रेशन में देखा है, और ये पर्सन आपको देखकर समझ नहीं पाता होगा कि ये इतना परेशान क्यों रहती है, ये इतना दुखी क्यों रहती है, ये इतनी डिप्रेस क्यों है अपनी लाइफ में। मैं इसका क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगी एक बार। दिस इज़ अ वेरी डीप कार्ड। ये कार्ड मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है, डेक तो कब से है मेरे पास पर कार्ड आज पहली बार नज़र आया मेरे को। मोस्ट पॉसिबली आप इस पर्सन के आने के बाद आप अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हो और आप चाहते हो, और मुझे लगता है कि उसकी वजह से आपको बहुत सारी एनलाइटनमेंट मिला है, बहुत सारा आपको नॉलेज मिला है, बहुत सारा आप बहुत गुड प्लेस पर आ गए हो आप इसकी वजह से, एंड कहीं ना कहीं आप ये चीज़ उन पर प्रोजेक्ट करते हो कि हीलिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है, मेडिटेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है, खुद पर इनर वर्क करने से क्या होता है, और आप भी इनर वर्क करो, आप भी अपने आप को बदलो, आप भी अपने आप को पहचानो। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, यस, आप उनको प्रोजेक्ट करते हो कि किस तरीके से खुद पर इनर वर्क करके आपने खुद की लाइफ पर कंट्रोल पाया है। आप जो हो वो इसलिए हो क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, आप जो हो वो इसलिए हो क्योंकि आप कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हो, ये सारी चीज़ें आप उनके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हो। व्हाट एल्स, आप उनके ऊपर क्या प्रोजेक्ट करते हो। जीरो फूल्स कार्ड। देखिए, आप उनके ऊपर जिस भी तरीके से जो भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो ये पर्सन आप अपने आप को आपके सामने फूल महसूस करता होगा, बेवकूफ़ महसूस करता है ये पर्सन, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है ना, वो इस तरह की एनर्जी है कि इनको ऐसा फील होता है कि ये लेडी मुझे बेवकूफ़ बन, लेडी या जेंट्स, वॉट एवर जेंडर डजेंट मैटर, ये पर्सन मुझे बेवकूफ़ समझता है या मुझे बेवकूफ़ बना रहा है कि मुझे पूरा ही फूल साबित करने की कोशिश कर रहा है, या मैं तो इसके सामने तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हूँ, या ये मुझे साबित करना चाहती कि मैं बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ। ओ गॉड, दिस इज़ लाइक, आप इनको जो भी बातें समझा रहे हो ना, सिखा रहे हो ना, ये इस लेवल पर ही नहीं है, परसेप्शन के लेवल पर ही नहीं है। आप जो उनको समझाना चाहते हो वो समझने के लिए उस लेवल पर नहीं है, तो आपकी बातें, या तो आपकी बातें इनको फूल के जैसी लगती है, बेवकूफ़ जैसी लगती है, या फिर इनको लगता है कि आप शायद ये सब बातें करके इनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, या आप क्या इनको बेवकूफ़ समझते हो कि वो ये आपकी इन सारी बातों पर भरोसा कर ले। ओप्स, दिस इज़ ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा। ओ, थ्री ऑफ पेंटेकल्स। हाँ जी, वही चीज़। ओ माय गॉड, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स।
ओ माय गॉड, पता है ये पर्सन आप जो जो कुछ भी इनके सामने प्रोजेक्ट करें ना, इससे पता है इनको क्या लगता है कि आप इनके सारे एफर्ट्स को नलीफाई कर देते हो। ये कितनी भी कोशिश करते हैं आपके साथ में एक टीम बनाने की, ये कितनी भी कोशिश करते हैं कि चलो आपके साथ में एक स्टेबल स्टेबल नॉट इन द सेंस कमिटेड रिलेशन, बट एक शॉर्ट टाइम स्टेबल रिलेशन बनाने की ये आपके साथ कोशिश करते हैं। आई थिंक कि ये इनका ऑफर ही यही है कि आपके साथ में एक शॉर्ट टाइम स्टेबल रिलेशन बनाया जाए, ऐसा रिलेशन जिसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ना हो। लेकिन आप शायद इनके इस ऑफर को बार 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 एक्सेप्ट नहीं करते हो, और इस बात से ये बहुत हार्ट ब्रोकन है कि इनको ये बात समझ में नहीं आती है कि ये पर्सन मेरे साथ, जबकि मेरा ऑफर अच्छा है, इनको लगता है कि इनका दे हैव द बेस्ट ऑफर फॉर यू, तो मेरा इतने अच्छे ऑफर को ये पर्सन ठुकरा कैसे सकता है, मेरी इतनी अच्छी पेशकश को ये इंसान ठुकरा कैसे सकता है। या फिर ये अपने ही आप में इतना कितना अंदर ही अंदर अपने ही अंदर इतना मस्त है कि अपने अंदर इतना घुसा हुआ है कि इसको परवाह ही नहीं है कि मैं इसकी लाइफ में रहता हूँ या नहीं रहता हूँ। ये पर्सन आप जिस भी तरीके से इनके साथ बिहेव करते हो ना, ये अपने आप को बहुत इनसिग्निफिकेंट फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको इनकी अपनी लाइफ में कोई ज़रूरत ही नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में रहो या ना रहो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपके बिहेवियर से ऐसा प्रोजेक्ट होता है इस पर्सन के ऊपर। इस ऐसा प्रोजेक्ट होने की वजह से इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म तो छोड़ो, शॉर्ट टर्म भी आपके साथ नहीं चला जा सकता। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको बोलते हो कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए या लॉन्ग टर्म साथ चलने के लिए ज़िंदगी भर साथ चलेंगे, तो ये पर्सन अपने आप को ऐसा सोच फूल फील करता है, फूल महसूस करता है, बेवकूफ़ाना चीज़ फील करता है कि ये इंसान मेरे साथ ज़िंदगी भर आगे चलने की बात करता है लेकिन 3 दिन मेरे साथ नहीं चल सकता, ठीक है। या छोटे छोटे कमिटमेंट ये इंसान मेरे साथ पूरे नहीं करता, या मैं जो छोटा शॉर्ट कमिटेड कमिटमेंट ऑफ़र कर रहा हूँ, मैं कुछ छोटा कुछ ऑफ़र कर रहा हूँ कि चलो आज के दिन हम साथ रह लेते हैं, या चलो लेट्स हम कहीं घूम आते हैं, तो ये मेरे इन छोटे छोटे ऑफ़र्स को ही जो इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म की बात कैसे कर सकता है, क्यों कर सकता है। बिकॉज आपका सोचने का और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का पर्सपेक्टिव अलग है, इनका रिलेशनशिप का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है। तो अभी ये यही सोचते हैं कि जब ये मेरे साथ में किसी शॉर्ट रिलेशन को बनाने के लिए ही तैयार नहीं है, तो लॉन्ग टर्म की बात जब ये करते हैं तो इसका क्या मायना है, इसका क्या मीनिंग है। ये पर्सन इस तरीके से सोचते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, हाँ जी 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 देखो ये यही वही वही बात हो रही है ना, ये घर बनाने वाली बात हो रही है यहाँ पर। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ में कोई भी एफर्ट लगाया जाता है लेकिन वो लॉन्ग टर्म ठहरता नहीं, हो पानी पर पुल बनाने वाली स्थिति है, डायरेक्ट पानी की वजह से पानी के ऊपर कुछ चीज़ बनाई जाएगी तो कितनी देर ठहरेगी, वो ब्लाइंडेड राइट। ये पर्सन पूरी तरीके से कंफ्यूज है, जो कुछ आप इनको दिखाते हो ना। यस 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 टू ऑफ डायमंड्स इज टू ऑफ पेंटिकल्स, ये टू ऑफ पेंटिकल्स है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यस इस पर्सन को ऐसा ही लगता है कि आप दिखाते तो ऐसा हो कि जैसे आपको इनके साथ बहुत प्यार है और इनके साथ बहुत लंबा आपका गहरा रिश्ता है और आप इनके साथ बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहते हो, लेकिन जब भी ये आपकी तरफ अप्रोच करते हैं आप इनको एब्रप्टली इनके ऑफर्स को आप कट कर देते हो, एब्रप्टली आप इनको मना कर देते हो इनके ऑफर्स को। तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका कौन सा वाला फेस सही है, वो जो एक लविंग केयरिंग नर्चरिंग कमिटेड वाला आपका एक रोल है इनकी लाइफ में, क्या वो सच है, या जो आप एब्रप्टली इनको कट करके अपनी लाइफ से बाहर निकाल देते हो, ये वाला आपका रोल सही है। एट ऑफ कप्स, इस पर्सन को ये समझ में नहीं आता कि अगर आपकी लाइफ आपको अपनी लाइफ में बना के रखा जाए तो कैसे बना के रखा जाए, और अगर आपसे मूव ऑन हुआ जाए तो कैसे मूव ऑन हुआ जाए, ठीक है। ये पर्सन आपको लेके जिस तरीके से आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो, ये पर्सन टोटली कंफ्यूज्ड है, इसका अपना खुद का जोकर बना हुआ है। ओके, ऐसा लगता है, इसको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ रहकर कंप्लीटली जोकर बन गया, फूल बन गया है। वो किसी भी तरीके से आपको हैंडल नहीं कर पा रहा है,
उसको ऐसा लगता है, ठीक है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकते हो, बट इस पर्सन के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रही हूँ कि इनको ऐसा लगता है कि यार इस लेडी को, मोस्ट पॉसिबली आप लेडी ही होगे, मोस्ट पॉसिबली इसको ऐसा लगता है इस लेडी को हैंडल कैसे किया जाए। जब इनको हम कोई ऑफ़र देते हैं तो ये ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करते, जब इनको ऑफ़र नहीं देते हैं तो ये कहते हैं कि इनको कमिटमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म साथ चलना है। कभी ये एकदम नर्चरिंग और केयरिंग और डिवोटेड लेडी की तरह बिहेव करती है, कभी ये एकदम सी चंडिका अवतार में आ जाती, काले अवतार में आ जाती है। तो आखिर ये चाहती क्या है मेरे से, ये पर्सन को ये कन्फ्यूजन है आपके बारे में। ओके, फिर जोकर कार्ड आया, देखो फूल फूल एंड फूल, ये जितनी भी बार फूल 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 जितनी भी बार आपके साथ में, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉश, जितनी भी बार ये आपके साथ में कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं, इनका बहुत ही अच्छा वाला बकरा कटा है, मुझे ऐसा लगता है इनको पेनफुल एंडिंग। आप इनकी किसी चीज़ को चलने नहीं, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, यस डेफिनेटली, ये इस वक्त तो ये पूरी तरह से कन्फ्यूजाए हुए हैं। ओके, पूरी तरह से कन्फ्यूज है। फिर जोकर, सी आई टेल यू ना, इस पर्सन को लग रहा है कि या तो मैं बेवकूफ़ हूँ या फिर बुरी तरीके से मेरा बेवकूफ़ बन गया है, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं इसमें रुका रहूँ तो कैसे रुका रहूँ, जाऊँ तो कैसे जाऊँ। टू ओ हो माई गॉड, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, बिकॉज यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, ये आपको चाहते हैं, ये आपको प्यार करते हैं। टू ऑफ कप्स, दे लव यू, और उनको ये भी पता है कि आप भी उनको बहुत प्यार करते हो, उनको ये भी पता है कि आप भी, वो भी आपके विश फुलफिलमेंट हैं, और स्टिल आप ऐसा बिहेव क्यों करते हो, ऐसा दोगला बर्ताव आप उनके साथ क्यों करते हो। सिक्स ऑफ कप्स, देखो दिस पर्सन यर्न्स फॉर यू, इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके साथ होना है, और इसीलिए ये बार बार बार, पता है अगर इनको आपसे प्यार नहीं होता और इनको आपके साथ नहीं रहना होता तो ये कब के छोड़ के जा चुके होते आपको। स्टिल दे आर ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग, दे कम बैक, वाई, बिकॉज दे लव यू, एंड बिकॉज कहीं ना कहीं उनको ये फील होता है कि आप भी उनसे प्यार करते हो। फिर उनको ये समझ में नहीं आता कि जब आप भी उनको प्यार करते हो, वो भी आपको प्यार करते हैं, तो फिर ये हर बार का हार्ट ब्रेक कैसे हो जाता है, हर बार ये रिलेशनशिप की एंडिंग कैसे हो जाती है, हर बार आप दोनों जने ऐसी एक जगह कहाँ आ जाते हो कि वो रिलेशन फंस जाता है, और दोनों को ही समझ में नहीं आता कि इसको अब आगे कैसे बढ़ाया जाए, और ये पर्सन पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका है कि ये रिलेशन को ख़त्म करना है या आगे बढ़ाना है। ख़त्म करना है पॉसिबल नहीं हो रहा बिकॉज देयर इज़ लव, आगे बढ़ाना इज़ पॉसिबल नहीं क्योंकि उनका कोई भी ऑफ़र आप किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हो। ओ माई गॉड, एस ऑफ मीन्स दिस इज़ द किंग ऑफ सॉरी एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन को, एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन के द्वारा ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहता है, इस पर्सन को इस बार बात करके क्लैरिटी चाहिए। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स कि हम क्यों झगड़ रहे हैं, हमारे झगड़े का कारण क्या है, तो अपने पत्ते खोलो, वो आपसे चाहते हैं कि आप अपने दिल की बात खुल के बताओ, हालांकि उन्होंने अपने पत्ते क्लोज कर रखे हैं, ठीक है, बट बात ये है ना, कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है किंग ऑफ क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि ये आपकी नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी को बहुत बहुत मिस करते हैं कि यार ये बंदा तो बहुत प्यार करता था, फिर फाइव ऑफ कप्स, फिर अचानक से ये बाजी पलटी, तो पलटी कैसे, इस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लियर कट आपके दिल में क्या चल रहा है ये वो जानना चाहते हैं, और शायद अगर आप उनको बहुत कुरेद कर पूछो या किसी एक टेबल पर सामने आमने सामने बैठ कर बातचीत कर पाओ तो वो भी अपने पत्ते दिखाएंगे, माने कि वो भी अपना दिल खोलना चाहते हैं आपके सामने, वो इस चीज़ को अब क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि ये चल क्या रहा है और मैं इसका कैसे निपटारा करूँ। तो जो भी आपने इनको प्रोजेक्ट कर रखा है, जो आप इनको बताते हैं, उसकी वजह से ये सब कुछ इनके माइंड में चल रहा है। ओके, चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपको अपने आप को आपके सामने कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। ये पर्सन अपने आप को आपके सामने कैसे प्रोजेक्ट करते हैं और उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ता है। हाउ दे प्रोजेक्ट देयर देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ दे देमसेल्फ प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ दे देमसेल्फ प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अपने आप को बिल्कुल भी आपके सामने ओपन अप नहीं करते हैं। फैमिली ऑफ लाइट, ओह वाओ, देखो ये पर्सन जो है ना आपको
आपके सामने पता है कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, ये आपके सामने ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि इनके जैसा एंजेलिक बीइंग आपकी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं. दे आर द एंजल ऑफ योर लाइफ, दे आर द लव ऑफ योर लाइफ, दे आर द लाइट ऑफ योर लाइफ. उनके बिना आपकी ज़िंदगी अच्छी कभी चल ही नहीं सकती, उनके बिना आपकी लाइफ अधूरी है. आप उनके साथ कंप्लीट हो, वो आपके साथ कंप्लीट है, आप दोनों एक होने के लिए बने हो. आप दोनों एक, वो आपको जब भी आपके सामने आते होंगे तो ऐसा दिखाते होंगे, लव बॉम्बिंग, बहुत ढेर सारा प्यार, बहुत ढेर सारी केयर, बहुत ढेर सारी नर्चरिंग, आई एम ऑल योर्स. ओके, ये पर्सन इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट, अपने आप को आपके सामने प्रोजेक्ट करते हैं. ठीक है, ठीक है, वेरी गुड. अर्थ हीलिंग, हाँ वही वो सेम कार्ड है. तो ये अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करते होंगे अपने आप को कि देखो तुम्हारा तारणहार खड़ा है तुम्हारे सामने. ओके, आई लव यू एंड यू लव मी एंड वी आर बोथ वेरी नाइस टुगेदर. हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने हैप्पी हैं, खुश हैं, हम एक दूसरे को इतनी हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं. ये ऐसा आपके सामने प्रोजेक्ट करते हैं. मे बी ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है. हाँ, वाइस वर्सा भी हो सकती है. सो लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई ज़रूर करना चाहूँगी. थोड़ा सा ये पता है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फेक प्रोजेक्शन देते हैं आपको. फेक प्रोजेक्शन है, इट इज़ अ फेक प्रोजेक्शन, या फिर ये बहुत शुरुआती प्रोजेक्शन है. जब वो शुरुआत में आपके को कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो इस तरह का प्रोजेक्शन करते हैं. नाइन ऑफ कप्स, हुकिंग ऑफ कप्स, ओ एंड देखो मैंने कहा ना टू ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, हाँ नाइन ऑफ कप्स. मैंने बोला कि जब ये शुरुआत में आपके पास में आते होंगे तो लाइक ओवरवेलमिंग, प्यार में उमड़ रहे हैं, ओवरवेलमिंग ऑफ लव ऐसा लगता है. एंड देन सडनली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माई गॉड, और फिर अचानक से एक हार्ड एक्सटीरियर लेकर आ जाते हैं आपके सामने. येस, ये तो बात है. एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये खुद, क्योंकि कुछ ही समय बाद जैसे ही ये इतना लव केयर शो करते हैं आपकी लाइफ में कि यू आर माई विश फुलफिलमेंट, आई एम योर विश फुलफिलमेंट, आई एम ऑल योर्स, हाँ, तो उसके जस्ट ही बाद में ये एक एकदम हार्ड एक्सटीरियर आपके सामने लेकर आ जाते हैं. यू आर लाइक व्हाट, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया. ठीक है, तो और ये क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि आपको ये सब देने के बाद में मे बी, क्योंकि आपका भी मैंने प्रोजेक्शन बताया ना, आपका प्रोजेक्शन ये है डार्क नाइट ऑफ द सोल, क्योंकि आप बहुत एकदम से इनको प्रोजेक्ट करते हो कि भाई कम करेक्ट टू मी, मतलब आपके सामने आते ही इनको अपनी डार्कनेस, अपनी कमजोरियां नज़र आने लग जाती. ये जो प्रोजेक्ट कर रहे थे आई एम ऑल लव एंड लाइट, लेकिन जब वो आपके सामने आते तो आप एक ऐसा मिरर लेके खड़े हो जाते हो कि आप उनको बताते हो कि नो, यू आर नॉट लव एंड लाइट, यू आर दिस, यू हैव अ डार्क सोल, यू हैव अ डार्क एनर्जी, प्लीज़ कम करेक्ट. अब इस चीज़ को करेक्ट करके आओ, मुझे ये प्रोजेक्ट मत करो कि तुम ये हो, तुम जो हो मैं तुम्हें देख पाती हूँ अच्छे से. यू आर दिस डार्क एनर्जी, मुझे ये लाइट की, मुझे फेक लाइट दिखाकर मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी डार्कनेस को बहुत अच्छी तरीके से देख पाती हूँ. ये चीज़ जब आप इनको प्रोजेक्ट करते हो ना अपने बिहेवियर से, वर्ड से, जेस्चर से, तुरंत इनका नाइन ऑफ कप्स वाली जो एनर्जी है ना वो तुरंत से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. इनका वो जो कोडिपेंडेंट, वो जो चेहरा था ना, मास्क हट जाता है, इनके सामने से मास्क हट जाता है और ये अपने ओरिजिनल नार्सिसिस्टिक सेल्फ में आ जाते हैं और खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको भी कंफ्यूज कर देते. खुद भी कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको खुद समझ में नहीं आता कि ये मैं जब इसको प्रोजेक्ट ये कर रहा हूँ तो इस ये मुझे इसको मैं ऐसा क्यों लगता हूँ, इसको मैं ऐसा क्यों लगता हूँ. ठीक है, मैं तो ऐसा हूँ तो मैं उसको ऐसा क्यों लगता हूँ, और इसका मतलब यह है कि यही गलत समझती है मुझे, यही ख़राब है, तो अब ख़राब के साथ तो ख़राब बिहेव करूँगा, टिट फॉर टैट करूँगा. तो अगर ये मुझे बुरा फील करवा रही है, मेरे बारे में मुझे बुरा फील करवा रही है, तो मैं इसको इसके बारे में बुरा फील करवाऊँगा. अगर इसने मुझे मेरी आइडेंटिटी को लेकर पूरा कन्फ्यूज़ कर दिया है तो मैं भी इसको पूरा तरीके से कन्फ्यूज़ कर दूँगा. राइट, तो ये इस तरीके से यहाँ पर चलता है आपके बीच में. और क्या होता भाई, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, यस 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 यस, और फिर वो कन्फ्यूज किस तरीके से, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओ माई गॉड, दिस इज अगेन ट्विन फ्लेम कार्ड, 11-11 कार्ड है ये. ठीक है, और जब जब भी आप इनको ये बताने की कोशिश करते होगे कि वी हैव अ डीप सोल कनेक्शन, वी आर ट्विन फ्लेम्स, वी आर सोलमेट्स, वट एवर, और आप वो ट्रू लव, वो ट्रू कंपैशन इनको शो करने की कोशिश करते होगे, इन स्पाइट ऑफ दिस आप इनको बोलते होगे कि यू आर नॉट दिस, यू आर दिस,
यू आर नॉट दिस, यू आर दिस, बट स्टिल आई लव यू बिकॉज यू आर माई ट्विन फ्लेम, ठीक है। और जब आप ऐसा कहते हो तो ये आपको क्या करते हैं, बिकॉज इनको आपको हर्ट करना है, somehow इनको आपको हर्ट करना है, तो ये कहते हैं कि नो, आई एम नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मैं अकेला ही भला हूँ, मुझे ये टू ऑफ कप्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे तुम्हारे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ये तुम्हारा काउंटर पार्ट तुम अगर मुझे समझती हो, नो आई एम नॉट दैट, ये तुम्हारा टू ऑफ कप्स का एक कप अगर मुझे प्रोवाइड करना है, नो आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट कप, मैं यहाँ अकेला भला हूँ, ठीक है, और मैं बिल्कुल अकेला भला हूँ, मैं कंफ्यूज भला हूँ, और मैं जैसा हूँ हार्ड, तुम तो मुझे हार्ड समझती हो तो मैं हार्ड ही भला हूँ, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो, तुम ये समझती हो कि मैं इन सब हायर स्पिरिचुअल चीज़ों को नहीं समझता, हाँ तो मैं नहीं समझता ना, मैं समझना भी नहीं चाहता हूँ, और मैं जैसा हूँ जहाँ पर हूँ वहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम ये बिलीव नहीं करना चाहती हो कि आई एम ऑल लव एंड लाइट एंड आई एम योर विश फुलफिलमेंट, तो फिर ठीक है, मैं जैसा हूँ वहाँ भला हूँ, तुम्हारे इस स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में घसीट कर मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो। ओ और फिर वहीं से सेम चीज़ जो पिछले अभी आया था, वहाँ आपका दोनों का झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, वो आपको एक दिशा में ड्रैग करना चाहते हैं, मेरा रिलेशनशिप का डायरेक्शन ये रहेगा, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल रिलेशन रहेगा, ऊपर ऊपर से अच्छी बात करेंगे, ठीक है, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या, ठीक है, हमारा रिलेशन यहाँ रहेगा, और आप उस रिलेशन को लाना चाहते हो यहाँ, टू ऑफ कप्स, 11-11, फोर ऑफ स्वॉर्ड, इस पर लाना चाहते हो, और इस चक्कर में दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हो, और दोनों ही ये चुन लेते हो कि हम अकेले ही भले, क्योंकि हम हमारी एनर्जी यहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं करेंगे, और ये कहते कि ये अपनी एनर्जी यहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं करेंगे, इस चक्कर में क्या हो रहा है, वो सारी एनर्जी यहाँ इस जगह पर आकर अटक गई है, उनको लगता है कि आप नार्सिसिस्ट हो, आपको लगता है कि वो नार्सिसिस्ट है, उनको लगता है कि आप कंफ्यूज हो, आपको लगता है कि वो कंफ्यूज्ड है, उनको लगता है कि मैं अकेला ही भला हूँ, ऐसे इस डीप मींस क्या बोलते हैं इसको, रैबिट होल में जाने से बेटर मैं अकेला ही भला हूँ, और आपको लगता है कि इस सुपरफिशियल रिलेशनशिप में रहने से मैं अकेली ही भली हूँ। वो व्हाट एल्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, फाइव ऑफ कप्स। तो जैसा मैंने कहा कि प्यार को लेकर आप दोनों की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है, ठीक है, वो अपने आप को किंग ऑफ स्वॉर्ड्स साबित करना चाहते हैं, और आप चाहते हो कि आपको चाहिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हो उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो आपके हिसाब से, वो चाहते हैं कि वो जैसे हैं एक्चुअली, आप उनको वैसा ही एक्सेप्ट कर लो, और यही वजह है कि दिस इज कॉल्ड एज एट ऑफ गॉड। इसी वजह से आप जब जब भी एक दूसरे के साथ बैलेंस में आने की कोशिश करते हो तो पता है क्या होता है, एक दूसरे को डिसअपॉइंट कर देते हो, एक दूसरे को अपने अपने लेवल पर बैलेंस करने की कोशिश करते हो और एक दूसरे को डिसअपॉइंट कर देते हो, एंड व्हाट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, और फिर अपने अपने मुद्दे लेकर एक दूसरे के सामने डट जाते हो, ओ गॉड ऐसा ही करते हो, टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, वो अपनी लेके खड़े हो जाते हैं तलवार की या डंडा अपना लेके खड़े हो जाते हैं कि यही सही है ऐसा चलना है तो हम आगे चलेंगे, आप अपनी बात लेकर अड़ जाते हो, नहीं ये सही है ऐसा चलना है तो चलेंगे, थोड़े देर के लिए क्लैशिंग होती है, रस्सा कस्सी होती है, ये भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, आप भी डिसअपॉइंट हो जाते हो, और फिर ये अपने रास्ते चले जाते, आप अपने रास्ते चले जाते हो, दैट्स इट, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। सो दिस इज़ हाउ यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ टू देम, दे प्रोजेक्ट टू यू, और इसी वजह से ये सारी गलतियाँ, झगड़े, फसाद जो भी हो रहे हैं आपके बीच में हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं कब मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे, एक चीज, और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना मैंने ये चीज की, क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई, गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किसे लूंगी मैं, बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे।
सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं, आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को ज़रूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम, व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक भक्ति की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुँच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हों और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पर एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है
और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करते हैं, करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है मेरी बहुत दिनों की विश। प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती है, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियाँ, सौभाग्य, धन दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार, सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है, और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं, और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है, और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है।
तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सके आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चले पथ को सुनिश्चित जहाँ पे सूरज सा उजाला, पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं।